Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to read another poem of first year English, that is poem number 19, A Man of Words and Not of Deeds, written by Charles Perrault, translated by Robert Somber. In this poem the poet gives us the message to be a man of deeds or action and not to be the man of words. मैन ऑफ वर्ड्स मीन बातें करने वाला आदमी, बातूनी आदमी जो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बातें करता है. मैन ऑफ डीड्स वो इंसान जो अमली तौर पर कोई काम करता है और जो जिसकी जिंदगी का कोई मकसद होता है. सो द पोएट टारगेट्स द मैन ऑफ वर्ड्स फॉर हिज लेजीनेस एंड इनएक्टिविटी. अ मैन ऑफ वर्ड्स इज अ टॉकटिव पर्सन हु कीप्स ऑन टॉकिंग एंड गॉसिपिंग, डूइंग नथिंग. ही हैज नो प्रैक्टिकल अप्रोच. द पोइट सेज कि इंसान को मैन ऑफ डीड्स होना चाहिए, कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई उसका मकसद हो और वो उसको सर अंजाम दे, अपने मकसद को हासिल करे, ना कि जो है वो एक इनएक्टिव और एक टॉकटिव पर्सन हो, वो कीप्स ऑन टॉकिंग एंड एक्चुअली डूइंग नथिंग. इन द वेरी फर्स्ट लाइन, अ मैन ऑफ वर्ड्स इज अ लाइक गार्डन फुल ऑफ वीड्स. वीड्स कहते हैं यूजलेस प्लांट्स को, जंगली खुद रो जड़ी बूटियाँ. यानी जो टॉकेटिव पर्सन है, मैन ऑफ वर्ड्स है, वो ऐसा ही है जैसे कोई यूजलेस प्लांट है. आपने अक्सर देखा होगा कि प्रूनिंग की जाती है गार्डन्स की, यानी उनमें से फालतू जो जड़ी बूटियाँ थी उनको काट दिया जाता है ताकि जो गार्डन है वो अच्छे से ग्रो करे और वो ज़्यादा खूबसूरत लगे. सो अ टॉकेटिव पर्सन, अ मैन ऑफ वर्ड्स, जो सिर्फ बातें ही करता है, वो भी ऐसा ही है जैसे कोई फालतू जड़ी बूटी या कोई फालतू जो है वो वाइल्ड प्लांट हो. सो that type of person should be removed from the society. And when a garden is full of weed or useless thing, it is going to be destroyed and detested. यानी जब किसी बाग के अंदर सिर्फ फालतू की घास फूस और जड़ी बूटियाँ ही हों, कोई खूबसूरती ना हो, तो फिर ऐसे गार्डन को देखने का क्या फ़ायदा. बातूनी आदमी जो है वो सिर्फ बातें करता है और अमली तौर पर कोई काम नहीं करता. वो भी इसी तरह फालतू उगी हुई बूटियों की तरह ही है जो कि बाग की खूबसूरती को तबाह कर देती हैं. एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो. और फिर क्या होता है, जब ये वीड्स, ये फालतू पौधे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाग के अंदर जो है वो, गार्डन के अंदर जो है वो स्नो से कवर्ड है. डियर लर्नर्स, इन इंग्लिश लिटरेचर स्नो इज अ सिंबल ऑफ डेथ, इनएक्टिविटी एंड बैरननेस. मौत को, खामोशी को, यानी किसी चीज़ की अबतर हालत को शो करने के लिए हम स्नो का वर्ड यूज़ करते हैं. सो स्नो इज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड इनएक्टिविटी. और जब किसी जगह पर या उस गार्डन में स्नो जब गिरना शुरू हो जाती है, वो बाग जो है वो बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर कवर्ड होता है, तो क्या होता है, हम देखते हैं इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन अ वॉल. तो जो टॉकेटिव पर्सन है, जो मैन ऑफ वर्ड्स है, वो क्या है, उस बर्ड की तरह है जो उस बाग की दीवार पर बैठा हुआ है. द पोइट कंपेयर्स द मैन ऑफ वर्ड्स विद अ बर्ड सिटिंग ऑन अ वॉल हु इज इनएक्टिव, अनएबल टू फ्लाई टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द हार्श वेदर. मतलब ये कि पोइट जो है वो कहता है कि बाग की दीवार पर एक ऐसा परिंदा बैठा हुआ है जो इतनी बर्फ में भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि उड़े. सो द लेजी पर्सन, द टॉकेटिव पर्सन इज लाइक दैट बर्ड, जो कि अपनी जान बचाने के लिए भी उड़ना नहीं चाहता और वो उसी बर्फ में उसी दीवार पर वहाँ खड़ा है. बट द वेरी नेक्स्ट लाइन, एंड व्हेन द बर्ड्स अवे डज फ्लाई. और फिर क्या होता है, जब ये बर्ड उड़ जाता है, यही वाला परिंदा जब उड़कर आसमान में चला जाता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है, दैट ही इज लाइक एन ईगल. हियर द पोएट टारगेट्स, द पोएट क्रिटिसाइजेस द लेजी एंड आइडल पर्सन हु कीप्स ऑन वेस्टिंग हिज टाइम, ही डज नथिंग इन हिज लाइफ, दैट whenever he flies for a little, then he thinks that he is like an eagle. Eagle is a very revered bird, you can say. आपने पढ़ा होगा इकबाल का शाहीन, कि उसको जो है वो bird of prey and it flies very high, it is very revered bird. So वो अपने आप को eagle की तरह समझता है. वो समझता है कि मैं कोई eagle हूँ, और अपनी बातों में और अपनी जो है वो गुफ्तगू में वो अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझता. And when the sky begins to roar, the poet has used personification in this line that the sky is like a lion that is roaring and trying to frighten the lazy person, the idle person. The poet says, when the sky roars, roars means lion, the sound of lion, शेर के गर्जने की, दहाड़ने की आवाज. It means when responsibilities falls on his shoulder, or you can say when he faces the reality, he feels like that a lion is standing on the door, and he fears and he is scared of facing that. It feels something is hitting on his back. यानी जब जिम्मेदारियों का बोझ उस मैन ऑफ वर्ड्स पर आकर गिरता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान में जो है वो एक शेर की तरह दहाड़ रहा है, या दरवाजे पर कोई शेर खड़ा है जो अभी उसको आकर खा जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और उसका सामना करने से कतराता है और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है. उसको ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्तकिल उसकी कमर पर किसी डंडे से, किसी लाठी से ज़रब लगा रहा हो. यानी ही फील्स द पेन ऑन हिज बैक, ही फील्स द पेन बिकॉज ही हैज़ बीन एन आइडल पर्सन, ही हैज़ डन नथिंग इन हिज लाइफ. When your back begins to smart, और फिर क्या होता है, यानी जब जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर पड़ता है और उसको ऐसा लगता है कोई शेर बाहर खड़ा है जो अभी आकर उसको खा जाएगा, वो खौफज़दा हो जाता है. और उसकी कमर पर स्मार्ट मीन टू फील द पेन, दर्द का महसूस होना, ज़रब लगना, तो उसको अपनी कमर पर दर्द महसूस होता है. जिम्मेदारियों का बोझ उसकी कमर में दर्द पैदा करता है और ऐसा लगता है इट्स लाइक अ पेन नाइफ, पेन नाइफ कहते हैं चाकू को, जैसे कोई चाकू जो है उसके दिल में कोई इंसान जो है वो ऐसे चबो रहा है. यानी ही फील्स दैट ही इज ब्लीडिंग, दैट समवन इज स्टैबिंग हिम विद अ पेन नाइफ, कि कोई शख्स जो है उसके दिल के अंदर चाकू मार रहा है और वो जख्मी है और उसका दिल जो है उससे खून बह रहा है. एंड अल्टीमेटली ही फील्स पेन ऑन हिज बैक एंड इट्स लाइक अ पेन नाइफ इज स्टैब्ड इन हिज हार्ट, ही ब्लीड्स एंड अल्टीमेटली डाइज. He is dead. Actually, he is dead much earlier than his physical death. The poet wants to say कि मर तो वो बहुत पहले ही गया था. He had been dead morally, spiritually throughout his life, but now this is the physical death. अभी उसकी जिस्मानी जो है वो मौत हुई है, लेकिन रूहानी तौर पर उसकी सोच और उसके जो जज्बात हैं वो बहुत पहले ही मर चुके थे. In this poem, the poet wants to convey us the message to be a man of word, a man of deeds, not to be a man of words. So that's all for today. I hope you understood it well. If you have any query, any question, do write in comment section below. I will be very delighted and happy to answer your question. You can ask everything, anything that is creating a trouble for you. Thank you very much.